Hello students, in today's video I am going to continue chapter number 4, heat flow and temperature. हमने अपनी last video में heat के बारे में पढ़ा था, इसकी unit भी हमने पढ़ी थी, साथ ही साथ हमने temperature के बारे में भी पढ़ा था. Temperature क्या होती है? The degree of hotness or coldness of a body is called temperature. टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब हम एक नए टर्म के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज थर्मल एक्सपेंशन. सबसे पहले इस टर्म का मीनिंग समझते हैं. थर्मल मीन्स हीट एंड एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड करना यानी फैलना. क्लियर? यानी हीट सप्लाई करने से जब कोई ऑब्जेक्ट फैलती है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है. लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सब्सटेंस इट्स डायमेंशन इंक्रीजेस. जब हम किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? इंक्रीज होती है. यहाँ डायमेंशन का मीनिंग क्या हुआ? इनकी साइज, इनकी लेंथ, इनकी वॉल्यूम, ये सारी डायमेंशन कहलाती है. तो जैसे ही आपने हीट एनर्जी सब्सटेंस को सप्लाई की उसकी डायमेंशन क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई. जबकि अगर हम सब्सटेंस को ठंडा करेंगे, उसको कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाएगी, उसकी डायमेंशन छोटी हो जाएगी. द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन सप्लाइंग हीट टू इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. तो थर्मल एक्सपेंशन क्या हुआ? एक ऐसी प्रोसेस हुई जिसमें सब्सटेंस एक्सपेंड होते हैं बाय सप्लाइंग हीट. ठीक है, तो इसको थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है. अगर हम डिफरेंट स्टेट की थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो गैसेस एक्सपेंड होती हैं लिक्विड से ज़्यादा. मीन्स गैसेस एक्सपेंड मच मोर देन लिक्विड. अगर आप गैसेस को थोड़ी सी भी हीट एनर्जी सप्लाई करोगे वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा फैलती हैं. लिक्विड को भी हीट देने से वो फैलती हैं, एक्सपेंड करती हैं, एंड सॉलिड्स भी एक्सपेंड करती हैं. बट सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो गैसेस में होती हैं, फिर लिक्विड में होती है, एंड देन सॉलिड्स में होती है. अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू इस थर्मल एक्सपेंशन को समझेंगे. एक्टिविटी क्या कहती है? सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ. मीन्स किसी भी सॉलिड को हीट करने से वो एक्सपेंड होती है, एंड वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंड होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सॉलिड किस मटेरियल से बनी है. अब हम इस एक्टिविटी को समझते हैं. इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है? एक आयरन रॉड लेना है एंड एक कॉपर रॉड को लेना है. दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए. अब आपको क्या करना है? इस आयरन रॉड को जो आपने लिया है वुडन ब्लॉक के बीच में क्या करना है? प्लेस करना है. देखिए इस पे डायग्राम में टू वुडन ब्लॉक लिए गए हैं. इन वुडन ब्लॉक के बीच में आयरन की रॉड को रखा गया है. आयरन की रॉड की एक एंड के ऊपर हैवी वेट रखा गया है. आप देखिए यहाँ पे क्या है? हैवी वेट रखा गया है. ये हैवी वेट क्यों रखा गया है? ताकि रॉड का ये एंड जो है वो फर्मली अपनी पोजिशन पर फिक्स रहे. ठीक है, इस रॉड के दूसरे एंड के नीचे एक पेंसिल को प्लेस किया गया है. ठीक है, एंड एक पेपर पॉइंटर पेंसिल के साथ अटैच किया गया है. क्लियर? आप देख सकते हो यहाँ पे बुनसन बर्नर रखा गया है जिससे फ्लेम निकल रही है जो कि इस मेटल रॉड को हीट करेंगे. जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये रॉड एक्सपेंड हो जाती है, इनका एक्सपेंशन होता है. एंड जैसे ही ये एक्सपेंड होती है यहाँ पे रखी पेंसिल को वो पुश करती है, जिसकी वजह से
यहाँ का पॉइंटर जो है वो रोटेट करता है। पॉइंटर क्या हो जाएगा, रोटेट होने लगेगा, यानी मूव करने लगेगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस आयरन रॉड की जगह में हम कॉपर की रॉड रखेंगे एंड अगेन सेम प्रोसेस यूज करेंगे, मीन्स हीट करेंगे। एंड इस टाइम भी हम देखेंगे कि कॉपर की रॉड एक्सपेंड होती है एंड ये पॉइंटर भी क्या होता है, रोटेट होता है। आप देखोगे पॉइंटर की रोटेट होने का जो अमाउंट है वो क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट में यानी दोनों रॉड में चेंज होता है। इससे हमें क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंड तो करती हैं लेकिन वो कितनी अमाउंट एक्सपेंड करेंगी वो डिपेंड करती हैं उस ऑब्जेक्ट की मटेरियल पे, मीन्स वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है उस पे डिपेंड कर। ठीक है, ये हमें पता चलेगा। आप देखोगे ये जो रोटेशन है ना ये पॉइंटर का, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा इन डिफरेंट मटेरियल। इस रोटेशन से ही हमें पता चल जाएगा किसमें एक्सटेंशन ज़्यादा हुआ एंड किसमें कम हुआ। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।